हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब पर। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। अगर बात करूं तो उसको कहते हैं पीआरएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आपका ये लोकेशन है उड़ीसा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लोकेशन उड़ीसा में है, बड़ी पाड़ा में। अगर लोकेशन की बात करूं मेनली तो आपका भुवनेश्वर से इसकी डिस्टेंस आपका 250 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है भुवनेश्वर से। वहीं बात करें कोलकाता वेस्ट बंगाल से इसकी लोकेशन आपका लगभग 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं अगर झारखंड के जमशेदपुर से बात करें लोकेशन का, तो लोकेशन आपका है लगभग 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये आपका सेंटर जो डिस्टेंस का हुआ। अगर बात करूं इसका कैंपस का, तो कैंपस आपका जो इनॉग्रेशन 2017 में कैंपस बन के तैयार, 2017 से कैंपस स्टार्ट हुआ है। उड़ीसा का ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अगर बात करूं एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो एमबीबीएस कोर्स का यहाँ पर जो इंटेक है आपका 125 सीट का इंटेक है आपका एमबीबीएस का। अगर इसकी बात करूं अप्लेशन का और रिकॉग्नाइज का, तो अप्लेशन जो डिग्री मिलता है आपका उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपका यहाँ डिग्री मिलना है आपका एमबीबीएस का। रिकॉग्नाइज की बात करूं तो आपका ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, उसके बाद आपका एनएमसी से भी रिकॉग्नाइज कैंपस है। वही बात करूं तो मैंने बताया कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा का। अगर बात कर ले यहाँ का कॉलेज का थोड़ा ओवरव्यू के बारे में, तो कॉलेज का जो कैंपस फैला हुआ है आपका 21 एकर्स में कैंपस फैला हुआ है। वहीं आपका 12 एकर्स में जो बन के कैंपस का हॉस्पिटल तैयार है। और अगर बात करूं इन प्रेजेंट टाइम्स, तो 300 बेड का आपका ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका हो गया। 300 बेड्स का भी हॉस्पिटल है कैंपस के पास, और 600 बेड का और भी हॉस्पिटल बन रहा है आपका, अंदर में आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अगर बात करो इसके कैंपस के अंदर भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, अंदर भी सारा कुछ आपका अवेलेबल है। बात करूं तो आपका अंदर में ही आपका हॉस्टल फैसिलिटी, अंदर में आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड, 21 एकड़ से ग्रीन कैंपस है आपका, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत बड़ा भी और डेवलप करने वाला है। इन प्रेजेंट टाइम आपका 125 का सीट है इंटेक। यहाँ पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है आपका 85% जो सीट फुलफिल होता है आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, यानी कि उड़ीसा जेई का जो मेडिकल काउंसलिंग होता है उसके थ्रू होना है। और ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से आपका 15% सीट फुलफिल होता है। तो आप हिसाब लगाना कि 15% कोटा, अगर बाहर के जो बच्चे आना चाहते हैं उड़ीसा स्टेट में पढ़ने के लिए, 15% कोटा में ऑल इंडिया स्टेट का कोटा से आ सकते हैं। अगर बात करें ऑल कैंपस का पैशन फ्लो का, तो पैशन फ्लो भाई आज के टाइम में अगर बात करूं 2022-23 का पैशन फ्लो काफी अच्छा यहां पर देखने को मिला है। अगर पैशन फ्लो की बात करूं तो जिस लोकेशन पर हॉस्पिटल है पैशन का फ्लो काफी अच्छा है। अगर पैशन की फ्लो करो की बात, तो पर डे का यहाँ पैशन फ्लो आपको 500 से 1000 का पैशन फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि प्रोजेक्ट आपका वैसे बताया कि 300 का बेड का हॉस्पिटल, जो भी मरीज वगैरह है आपको यहाँ पर लगभग आपका देखोगे तो यहाँ पर जो पैशन फ्लो का है, जो आपका मरीजों का है लेन देन बहुत अच्छा है यहाँ पर आना जाना, जो देखोगे यहाँ मरीज का तो काफी डिमांड में है जिस लोकेशन पे हॉस्पिटल, यहाँ पर आपको देखने को काफी कुछ हद तक बढ़िया मिलेगा। उसके बाद बात करें नीट यूजी का, जो कटअप यहाँ पर जो लास्ट ईयर और इस साल जो रह सकता है, जो लास्ट ईयर था उसके बाद बात करें, सबका बात करता हूँ, जो एक्सेप्टेड कटअप है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप यहाँ काउंसलिंग करके आते हो तो अगर 615 से ऊपर मार्क्स है आपका, अगर नीट स्कोर में आपका 615 से ऊपर है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से यहाँ के लिए डालना, यहाँ पर आराम से आपको ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा जो भी और भी कटअप है कैटेगरी वाइज, किसी को जानना होगा मुझे पिंग कर लेना, मैं आपको कटअप का डिटेल्स आपको शेयर कर लूंगा। और बात करते हैं कैंपस का थोड़ा सा और भी थोड़ा सा, तो डीपली तो यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी अंदर में कैंपस से मिल ही रहा है। उसके अलावा कैंपस एक अच्छे लोकेशन पे है, बरीपाडा के मतलब की 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपका मेन टाउन में है आपका कैंपस फैला हुआ है, और काफी बढ़िया ग्रोथ करता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज है आपका उड़ीसा के अंदर में, क्योंकि मैंने देखा तो उसके ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं काफी इनको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो काफी हद तक ये हॉस्पिटल डेवलप करता हुआ आगे आ रहा है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे इंटेक की संभावना है कि बढ़ेगा, तो अभी फिलहाल जो है आपका इंटेक 125 सीट का एमबीबीएस का। तो आप इस कॉलेज को बिल्कुल देखो, अगर उड़ीसा में काउंसलिंग कर रहे हो चाहे उड़ीसा के स्टेट में पाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इस कॉलेज को देखो। आप अगर इस कटअप के आसपास अगर हो आप, जो मैंने कटअप बताया है, तो आप बिल्कुल इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना, मे भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कोई और भी जानकारी जानना हो, आप मेरे से दिए हुए लिंक में आपको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होकर आप मेरे से अपनी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हो। उम्मीद करूंगा
वीडियो का कॉलेज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना ताकि अब तक और भी कॉलेज का रिव्यू आप तक मिलते रहेगा।